हैलो एवरी वन हाउ आर यू ऑल डूंग आई होप ऑल ऑफ यू आर डूंग्रेट सो इन दिसन रक्षा बंधन एंड दिसम मैथ्स मेला क्लास थ्री न्यू एन सी आर टी फॉर मैथमेटिक्स अभी तक हमने सिक्स यूनिट कवर कर ली है आई होप आपने सारे वीडियोज देखी है ऑल द लिंक्स आदे इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स चलिए इस यूनिट को शुरू करते हैं ये इसका पार्ट वन है वी विल कम्प्लीट दिस यूनिट इन थ्री पार्ट ओके सो सबसे पहले यहाँ एक इमेज दी गई है यहाँ यहाँ पर किसी चीज की तैयारी चल रही है लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू टुमारो इज गोपाल फेवरेट फेस्टिवल कल गोपाल का फेवरेट फेस्टिवल है गोपाल एंड धरा आर वेरी एक्साइटेड दोनों बहुत एक्साइटेड हैं। कौन कौन गोपाल और धरा दे बिलव्ड आत्या

We can see. मुझे तो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है कि घर बिल्कुल साफ सुथरा और खाने पीने की बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। आपको जो भी इंटरेस्टिंग को हमें काउंट करना है और कितनी है वो चीज लिखनी है तो जैसे लीव यानी पत्ते यहाँ कितने हैं तो देखो दरवाजे पे लगे हुए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टी सिक्सटीन सेवनटीन

अब है पोम यहाँ पे अनार कितने हैं सो so, एक बास्केट में सिक्स हैं और ऐसी कितनी बास्केट है One, two, three, so, ये टाइम्स हम करेंगे तो ट्वेंटी फोर आएगा हम ग्रुप्स में काउंटिंग कैसे करते हैं वही आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फिर फ्लावर्स यहाँ कितने हैं देखो एक प्लेट में कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन है तो दो प्लेट्स है यहाँ तो इसमें कितने हो जाएंगे टेन प्लस टेन ट्वेंटी ओके आई होप इट इज क्लियर कैसे हमने काउंट किया है ग्रुप्स में वो और अच्छे से आगे चैप्टर में समझेंगे फिर है सेलिब्रेशन बिगिंस फिर उत्सव मनाना ये लोग शुरू करते हैं धराज मदर हैज बॉट सम है फॉर द फेस्टिवल धरा की जो मम्मी है कुछ चीजें लेकर आई हैं फेस्टिवल मनाने के लिए गेस्ट द फेस्टिवल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर आपको गेस्ट करना है किस फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं यस वी कैन सी हियर राखी रक्षाबंधन राइट सो लेट्स सी लेट्स मेक राखी अब ये बच्चे राखी बना रहे हैं आप ये राखी देख सकते हैं कैसे बनी है लुक माई टीचर है कि मेरी टीचर ने मुझे राखी बनाना सिखाया है तो फिर धरा क्या कहती है फॉर ईच राखी वी नीड वन फ्लावर हर राखी में एक फूल चाहिए यहाँ आप देख सकते हैं टू थ्रेड्स दो धागे चाहिए दोनों कॉर्नर पे ये देख सकते हो एंड फोर बीड्स और चार मोती चाहिए एक दो तो तीन चार ठीक है चार मोतिया चाहिए एक राखी को बनाने के लिए तो एक राखी के लिए हमें एक फूल दो धागे और चार मोती चाहिए तो फिर यहाँ पर लिखा है वी नीड टू मेक फाइव राखीज तो ये बॉय बोल रहा है कि हमें फाइव राखीज बनानी है तो अब हाउ मेनी थ्रेड फ्लावर्स एंड बीड्स टू दे नीड अब पांच राखी बनानी है तो कितने फूल चाहिए होंगे कितने धागे चाहिए होंगे वो देख लेते हैं और कितने मोती चाहिए होंगे तो, तो यहाँ ईच राखी राखीज वन फ्लावर हर राखी में कितने फूल लग रहे हैं एक वी नीड टू मेक फाइव राखी हमें पांच राखी बनानी है सो so धरा टेक्स वन 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 सो फाइव टाइम्स धरा ने फूल ले लिए ठीक है तो कितने हो गए टोटल फाइव इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दिस कैन ऑल्सो बी सेड एज फाइव टाइम्स वन और फाइव इंटू वन और टोटल आंसर कितना आ जाएगा फाइव सो फॉर राखी फाइव राखीज वी नीड फाइव फ्लावर्स ओके क्योंकि पांचों में एक एक चाहिए सो फाइव टाइम्स वन इज इक्वल टू फाइव नेक्स्ट है ईच राखी यूजेस टू थ्रेड्स वी नीड टू मेक फाइव राखीज हमें हर राखी के लिए दो धागे चाहिए तो धराने कैसे लिए क्योंकि पांच राखी बनानी है तो टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू यानी फाइव टाइम्स पांच राखी के लिए उसने फाइव टाइम्स दो दो धागे लिए तो टोटल कितने हो गए टेन जब आप काउंट करोगे तो टोटल हो जाएंगे टेन इसका मतलब फाइव टाइम्स अगर हम टू लेंगे या फिर फाइव इन टू टू सो फॉर फाइव राखी वी नीड टेन थ्रेड्स दस धागे चाहिए होंगे ठीक है फिर है बीट्स कितने चाहिए एक राखी में चार बीट्स हैं तो हमें पांच बनानी है तो फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर प्लस फोर फाइव टाइम्स को ऐड करेंगे ओके नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी ट्राई आउट यहां पर दिया हुआ है फॉर मेकिंग टेन राखीज अब दस राखीज बनाने के लिए कितने फूल चाहिए होंगे हर राखी में एक लगता है यानी दस धागे हर राखी में दो धागे लगते हैं यानी कि ट्वेंटी और मोती यानी बीट्स कितने चाहिए होंगे तो एक राखी में चार बीट्स लगते हैं तो टेन राखीज में फोर्टी बीट्स लगेंगे ओके okay? अब यहां दिया है देयर आर थर्टी फ्लावर्स थर्टी थ्रेड्स एंड थर्टी बीड्स हाउ मेनी राखीज कैन यू मेक विद दिस मटीरियल यूज ड्रॉइंग इफ नीडेड टू फाइंड आउट द देंसर सबसे पहले ये ब्रैकेट वाला देख लेते हैं फिर इसको क्या करना है वो देखेंगे फन एक्टिविटी ट्राई मेकिंग अ कलरफुल राखी एट योर होम शो इट इन द क्लास आपको घर पे राखी बनाने की कोशिश करनी है उसको क्लास में शेयर करना है ओके नाउ यहाँ पे दिया है कि थर्टी फ्लावर्स हैं थर्टी थ्रेड्स है, 30 threads है और थर्टी बीड्स हैं। तो इससे कितनी राखियां बन पाएंगी ये हमें बताना है तो सबसे पहले देखिए ये मैंने थर्टी फ्लावर्स ले लिए ठीक है अब कह रहे हैं कि थर्टी थ्रेड्स हैं। तो सब में पहले एक एक थ्रेड लगा लेते हैं तो 15 मैंने लगा लिए बाकी के 15 हम हटा देंगे क्यों क्योंकि अगर मैं सब में एक एक लगा दूंगी तो एक भी राखी कंप्लीट नहीं होगी हमारे पास 30 धागे हैं कैसे देखिए फिर यहाँ पर 15 जो बचे थे धागे वो इनमें हमने लगा दिए ओके सो so, 30 थे टोटल तो 15 में ही हम राखी बना पाएंगे अब बीड्स भी देख लेते हैं तो बीड्स तो एक में चार लगेंगे सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन 30. तो हम देख सकते हैं कि इतने ही राखी में बीड्स लग पाएंगे, राइट क्यों क्योंकि बीड्स एक में चार लग रहे हैं और यहाँ पर राखियां ज्यादा है तो जितने में बीड है वो रख लेते हैं बाकी हटा देते हैं तो देखो ये जो लास्ट वाली राखी है इसमें सिर्फ एक तरफ बीड्स लगे हैं दूसरी तरफ नहीं लगे हैं क्योंकि कम पड़ गए ठीक है तो अब कैसे करेंगे तो जितनी राखियां कंप्लीट हैं वो हम काउंट कर लेंगे तो इसको हटा दो लास्ट वाली को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यानी कि अगर हमारे पास थर्टी फ्लावर्स हैं थर्टी बीड्स हैं और थर्टी थ्रेड्स हैं तो हम सेवन राखीज बना पाएंगे नाउ लेट सी द नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है जगन्नाथ स्वीट शॉप जगन्नाथ की स्वीट की दुकान है यहाँ पर ये यह बच्चा कहता है बप्पा अवर आत्या लाइक्स लड्डू हमारी जो बुआ है उनको लड्डू पसंद है चलो कुछ खरीद लेते हैं इनमें से लेट्स बाय सम तो इनके पिताजी कहते हैं श्योर sure. फिर धरा क्या करती है वन टू थ्री फोर ओ आई एम गेटिंग कन्फ्यूज इन काउंटिंग दैम बहुत सारे लड्डू एक साथ थे तो धरा कन्फ्यूज हो जाती है काउंट करने में तो पापा कहते हैं वेट धरा लेट्स द शॉपकीपर अरेंज इन अ बॉक्स शॉपकीपर को बॉक्स में अरेंज करने दो फिर आप काउंट कर लेना तो उसके बाद क्या है देखिए हाउ वुड बी काउंट द लड्डूज इन द बॉक्स

प्लीज गिव मी टू बॉक्सेस ऑफ लड्डू पर दो बॉक्सेस ऑफ लड्डू यहाँ पर धरा के पिताजी ने लिए अब टोटल कितने हो जाएंगे सो so, एक बॉक्स में नाइन थे तो नाइन प्लस नाइन यानी कि एटीन हो जाएंगे लेट्स काउंट इट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन दोनों बॉक्स में तो टोटल 18 लड्डूज को हम टू टाइम्स करेंगे तो आंसर आएगा लड्डूज 3 3 3 3 3 3 3, 3, 3 है उतनी बार हम इसको एड कर देंगे यानी कि सिक्स टाइम्स तो सिक्स टाइम्स थ्री इज इक्वल टू एटीन सिक्स इंटू थ्री इज इक्वल टू एटीन देर आर एटीन लड्डूज सो थ्री थ्री का ग्रुप करके काउंट करेंगे तो भी एटीन आ रहा है और नाइन नाइन ग्रुप करके काउंट करेंगे तो भी एटीन ही आ रहा है सो लेट सी आफ्टर अत्या एंड चिल्ड्रन कम वी विल बी नाइन पीपल इन द हाउस वेन वी डिस्ट्रीब्यूट एटीन लड्डूज इक्वली टू ऑल हाउ मेनी विल ईच ऑफ अस गेट अब ये बच्ची कहती है कि जब अत्या आ जाएगी सारे बच्चे आ जाएंगे तो टोटल नाइन पीपल हो जाएंगे घर में घर में कितने लोग होंगे नौ लोग अब ये एटीन लड्डूस नौ लोगों में बराबर बांटना है तो कैसे बांटेंगे कैन यू हेल्प धरा फाइंड दिस आउट कैसे बांटेंगे आप को धरा की हेल्प करनी है चलिए देखते हैं कैसे तो धरा ने क्या किया नाइन प्लेट्स ले ली क्योंकि नाइन लोग हैं है ना सो इमेजिन योर सेल्फ टू बी धरा डिस्ट्रीब्यूट एटीन इट देखते हैं धरा ने कैसे बांटा है तो नाइन प्लेट्स है और एटीन लड्डूज हैं तो पहले धरा ने सारी प्लेट्स में एक एक लड्डू रख दिए यानी कि नाइन लड्डू रख दिए अब कितने बच गए तो जो रख दिए उनको कट करके दिया हुआ है बाकी बचे हुए को हम काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन अभी भी बचे हुए हैं फिर सब में एक एक और रख दिया तो कितने बचे जीरो क्योंकि नाइन ही थे नाइन हमने रख दिए तो बच गए जीरो आइटम लेप कितने जीरो

सो so 20 है तो हम लिख देंगे 20 अब है डिस्ट्रीब्यूट ऑल काजू कतलीस इक्वली अमंग फाइव पीपल हमें पांच लोगों में काजू कतली को बांटना है यू कैन डू इट बाय ड्राइंग काजू कतली ऑन प्लेट हाउ मेनी विल ईच गेट कंपेयर योर वर्क विद धराज वर्क हमें ऐसे ही प्लेट में जैसे धरा ने बांटा था वैसे करके और ये सारी काजू कतली को इक्वल बांटना है पांच लोगों में तो कितनी प्लेट्स होंगी फाइव क्योंकि पांच लोगों में बांटना है तो पहले टोटल ट्वेंटी है उसमें से फाइव एक एक में रख दिया तो कितने बचे लेट्स काउंट द लेफ्ट वन सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन बच गए अब उसके बाद एक एक और रख दिया प्लेट्स में सो प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन तो फिफ्टीन थे उसमें से फाइव और चले गए क्योंकि पांच हमने और रख दिए प्लेट में तो अब कितने बच गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन बच गए नेक्स्ट फिर से एक एक और रख दिया यहाँ देख सकते हैं प्लेट में अब तीन तीन है राइट right? तो वन टू थ्री फोर फाइव अब टेन में से फाइव चले गए तो फाइव ही बचे उसके बाद फिर से हम एक एक रख देंगे यानी चार चार काजू कतली हो गई सारी प्लेट में सो अब कितनी बची जीरो क्योंकि हमने सारी बांट दी सो फाइव में से फाइव गए तो जीरो ट्वेंटी इक्वली शेयर्ड बाय फाइव इज फोर ईच मतलब बीस काजू कतली को पांच लोगों में बराबर बांटेंगे तो सबको चार चार मिलेगी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ट्वेंटी डिवाइडेड बाय फाइव इज इक्वल टू फोर यानी बीस को हम पांच से डिवाइड करेंगे तो फोर आएगा अब आगे देखते हैं लेटर्स टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल काजू कतलीज इक्वली अमंग फोर पीपल हाउ मेनी काजू कतलीज विल ईच गेट अब यहाँ पर सिक्सटीन काजू कतली दी हुई है ठीक है यहाँ लिखा हुआ है अब हमें इन्हें चार लोगों में बांटना है तो कितनी प्लेट्स होंगी चार है ना तो अब क्या करना है लेट डू दिस इन द पिक्चर गिवन बिलो स्ट्राइक आउट द काजू कतली फ्रॉम द ट्रे एंड ड्रॉ देम इन द प्लेट्स हमें जो बांट देंगे उसको कट करते जाना है ठीक है तो पहले चारों प्लेट्स में एक-एक रख दिए तो 16 थे उसमें से चार माइनस कर दिए ये ब्लू कलर से चार कट कर दिए अब कितने बच गए रेड से काउंट करती हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कितने आइटम्स बचे 12, तो 12 एक देंगे अब इन 12 में से बचे हुए में 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 से से भी एक-एक हम फिर चारों में रख देंगे तो 12 में से 4 तो गए गए कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बच ऐसे ही फिर से हम फोर रख देंगे एक-एक चारों प्लेट्स में तो कितने बचेंगे वन टू थ्री फोर तो फोर बच गए फिर अब सिर्फ चार ही बचे हैं और चार प्लेट्स में एक एक और रख दिया तो अब कितने बचे जीरो हमने देखा कि सोलह काजू कतली को चार लोगों में बराबर बराबर बांटेंगे तो ईच विल गेट फोर काजू कतली प्लेट में कितनी है चार चार है सो सिक्सटीन डिवाइडेड बाय फोर इज इक्वल टू फोर नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट डिस्ट्रीब्यूट ऑल द फिफ्टीन पेड़ास इन प्लेट इक्वली अमंग फाइव पीपल यहाँ पे पंद्रह पेड़ा दिए हुए हैं और इसे पांच लोगों में बराबर बांटना है हाउ मेनी पेड़ाट तो एक को कितना मिलेगा चलिए करते हैं सो so, टोटल हमें पता है यहाँ पंद्रह दिए हुए हैं अब पहले हर प्लेट में एक एक रख दिया यानी पांच रख दिए तो कितने बच गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन बच गए राइट अब नेक्स्ट देख लेते हैं फिर से हमने एक एक और रख दिया तो पांच प्लेट्स हैं तो एक एक और चले गए तो कितने बच गए वन टू थ्री फोर फाइव फाइव बच गए अब फिर से एक एक और रख दिया तो अब एक भी नहीं बचा सारे पेड़े हमने बांट दिए तो कितने कितने आए प्लेट्स में थ्री यानी फिफ्टीन इक्वली शेयर्ड बाय फाइव इज थ्री इंच अगर पंद्रह चीजों को पांच लोगों में बराबर बांटेंगे तो तीन तीन हर व्यक्ति को मिलेगी नाउ लेट सी द नेक्स्ट पार्ट लेट थिंक ईच साइकिल नीड्स टू व्हील्स हमें दिए दिए हुए है, हुए हैं, हैं। तो कितनी में में आएंगे अगर एक में दो पहिए लगते हैं तो चलिए ड्रॉ करते हैं वन टू ये एक साइकिल में थ्री फोर ये दूसरी साइकिल में फाइव सिक्स तीसरी साइकिल में सेवन एट चौथी साइकिल में नाइन टेन पांचवी साइकिल में इलेवन ट्वेल्व छठी साइकिल में यानी ट्वेल्व इक्वली डिवाइडेड बाय टू इज सिक्स यानी कि सिक्स साइकिल्स में हम दो दो पहिए लगाएंगे तो ट्वेल्व व्हील्स डिवाइड कर लेंगे ट्वेल्व डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू सिक्स अब नेक्स्ट है नाउ लुक एट द पिक्चर केयरफुली काउंट द नंबर ऑफ जलेबीज हमें टोटल जलेबीज काउंट करनी है okay? ओके तो पहले हम ऐसे ही काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टीन फोर्टी ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर सो दे आर ट्वेंटी फोर जलेबीज हाउ डिड यू काउंट डिस्कस विद योर फ्रेंड हमने एक एक करके काउंट किया अब ग्रुप में कैसे काउंट करते हैं सो काउंटिंग इन ग्रुप्स वी सी देर आर सिक्स ग्रुप्स ऑफ फोर जलेबीज ईच कितनी प्लेट्स हैं और हर प्लेट में हैं सो सिक्स टाइम्स हम फोर को काउंट करेंगे तो टोटल आता है ट्वेंटी फोर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिक्स टाइम्स फोर इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर जलेबीज ओके सो ग्रुप में ऐसे काउंटिंग होती है नेक्स्ट है अभी हमने देखा फोर इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर जलेबीज अब यहाँ पर ये बच्चा बोल रहा है पप्पा वी हैव बॉट ट्वेंटी फोर जलेबीज हमारे पास ट्वेंटी फोर जलेबीज हो गई एट होम वी आर नाइन मेंबर्स कैन वी हैव फोर जलेबीज ईच अब पप्पा कहते हैं कि घर पे नौ लोग हैं क्या हम सभी लोगों में चार चार जलेबी बांट सकते हैं अगर हमारे पास ट्वेंटी फोर जलेबीज है तो आगे लिखा है आर देयर इनफ फॉर इन फैमिली टू हैव फोर ईच शेयर योर थॉट्स इन द क्लास हमको ये बताना है कि धरा की फैमिली में सभी लोगों को चार चार जलेबीज आ सकते हैं क्या मिल सकते हैं क्या हाउ मेनी जलेबीज शुड धरा बाय सो दैट एवरी वन गेट फोर ईच और फिर बताना है कि कितनी जलेबी खरीदनी चाहिए ताकि सभी लोगों को चार चार जलेबी मिल जाए तो टोटल हमें ट्वेंटी फोर जलेबीज तो एक एक करके माटेंगे तो देखो सभी प्लेट्स में मैंने एक एक जलेबी रख दी नाइन टाइम्स रख दी अब एक एक और रखते हैं तो सब में मैंने रख दी तो नाइन एंड नाइन एटीन अब जो बच गई है उसको फिर से प्लेट्स में रखते हैं 19, 20, 21, 22, 23, 24 तो यहीं तक हम बांट पाए इसका मतलब सबको फोर फोर जलेबीज नहीं मिल रही कुछ लोगों को थ्री मिल रही है और कुछ लोगों को टू मिल रही है अब हमें बताना है कि सबको चार चार जलेबीज मिल जाए इसके लिए कितनी जलेबी खरीदनी होंगी तो चलिए काउंट करते हैं सो सभी प्लेट्स में मान लो चार चार जलेबीज हैं सो फोर नाइन टाइम्स यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 24, थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स यानी कि थर्टी सिक्स होंगी तो सभी में हम चार चार बराबर बांट सकते हैं तो पहला आंसर हो जाएगा नो कि सबको बराबर नहीं बटेंगी अगर ट्वेंटी फोर जलेबीज होंगी तो सबको चार चार नहीं मिलेंगी तो नो और अगला हमसे पूछा था कि कितनी टोटल जलेबी होंगी कि सब सबको फोर फोर मिल जाएंगी तो थर्टी सिक्स नाउ लेट सी द नेक्स्ट पार्ट प्लांट्स इन द गार्डन यहाँ एक गार्डन में बहुत सारे फूल हैं धरा एंड गोपाल सी अ फ्लावर बेड ऑन देयर वे होम जब वो घर जा रहे थे रास्ते में फूलों का एक बगीचा मिला तो धरा ने कहा द नंबर ऑफ प्लांट इज सिक्स कितनी टाइम्स एट टाइम्स उसको हर लाइन में सिक्स फ्लावर्स दिखे एक दो तो, तीन चार पांच छह फूल दिखे और कितनी लाइन्स है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ओके सो एट टाइम्स सिक्स को एड किया या फिर एट टाइम्स सिक्स कितना होता है सो so, टोटल आप एक बार काउंट कर लो फिर ग्रुप्स में कैसे काउंट करते हैं वो देखेंगे सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन फॉर्टी फॉर्टीन टू फॉर्टी थ्री फॉर्टी फोर फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन एट यानी कि एट टाइम्स हम सिक्स को ऐड कर रहे हैं तो फोर्टी एट आ रहा है एट सिक्स ने कहा नहीं मैं तो एट ऐड करूंगा टाइम्स टाइम्स उसने को ऐड किया times, तो भी आंसर ही आएगा सो हु डू यू थिंक इज करेक्ट दोनों ही करेक्ट हैं हम कैसे भी काउंट करेंगे आगे देखते हैं अगर हमने कॉलम्स के थ्रू काउंट किया जैसे धरा ने किया कि एट कॉलम्स थे और हर कॉलम में सिक्स थे तो भी 48 आएगा और धरा ने अगर ऐसे रोज में काउंट किया कि एक रो में कितने हैं है और कितनी रोज है Six रोज है तो भी फोर्टी एट ही आएगाप्लीकेशन okay? अब यहाँ पर बॉक्स बना बना के चार चार का ग्रुप किया गया है हमको ऐसे ही इस पूरी ग्रुपिंग को कंप्लीट करना है और देखते हैं कि इसको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कैन यू फाइंड मोर इक्वल ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट साइजेस ड्रॉ देम एंड राइट एज मल्टीप्लीकेशन तो देखो यहां वन टू दिए हुए हैं, बाकी हमने फोर फोर के बना लिए तो कितने बॉक्स आ गए ट्वेल्व फोर डॉट्स है एक में तो ट्वेल्व टाइम्स फोर इज इक्वल टू फोर्टी एट इसी डॉट्स को हमने यहां पर डिवाइड किया तो इसका मतलब ये है कि सेम डॉट्स है सेम चीज है उसको हम किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा ओके okay? इसको और अच्छे से हम नेक्स्ट पार्ट में समझ लेते हैं विजिट टू अ फार्म द नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन टेक देयर अपा एंड कजिन्स टू द फार्म अगले दिन सभी बच्चे अपने अपा के साथ कहा गए फार्म पे गए दे सी अ लॉट ऑफ चिकन देयर बहुत सारे मुर्गी के बच्चे थे लेट अस काउंट चिकन इन द फार्म इन सबको हमें काउंट करना है देखो कैसे ग्रुप्स में काउंट करते हैं ये यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया गया है प्लीज ध्यान दीजिएगा ओके okay? सो so, देखो पहला क्या है वन टाइम्स टू एक ग्रुप में कितनी चिड़िया है वन टू यानी एक बार अगर दो का पेयर लें मतलब दो चिड़िया का पेयर एक बार लिया तो टोटल कितना आया टू इसको हम लिख सकते हैं वन इन टू टू इज इक्वल टू फिर है टू टाइम्स यानी दो सर्कल हैं और दोनों सर्कल में कितने कितने बर्ड्स हैं टू टू सो वन टू थ्री फोर टू टाइम्स टू इज फोर और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टू इंटू टू इज इक्वल टू फोर ऐसे ही थ्री टाइम्स टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स होता है थ्री इंटू टू सिक्स ऐसे ही फोर टाइम्स टू यानी चार बार दो दो के पेयर लिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट सो फोर टाइम्स टू इज एट ओके, okay, फिर फाइव टाइम्स टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन यानी कि टेन सो फाइव टाइम्स अगर टू ले रहे हैं तो फाइव इंटू टू टेन सिक्स टाइम्स टू ले रहे हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट

10 है, right? तो कितने-कितने कितने, कितने हैं हो हो जाएंगे? जाएगा. तो हमने देखा कि ग्रुप्स में कैसे काउंटिंग करते हैं आई होप आपको ये समझ में आया होगा सो so, इसके साथ हमने इस चैप्टर का पार्ट वन कवर कर लिया है सभी चैप्टर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है अदर सब्जेक्ट्स की भी सो प्लीज गो थ्रू ऑल द चैप्टर्स आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू डू सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोज थैंक यू सो मच